सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो निब्बा निब्बियों पे इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद ना मुझे लगा कि मैं प्रो हो चुका हूँ। मुझे निब्बा निब्बियों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इनकी हाइट से लेके एज से लेके हर चीज। लेकिन मेरी रिसर्च गलत थी यार। मुझे अब पता चल रहा है कि निब्बा निब्बी सिर्फ बच्चे नहीं होते, निब्बा निब्बी बड़े भी होते। तो ऐसे ही एक बड़े निब्बे से मैं तुम्हें मिलाऊंगा, जिसको प्यार से मैंने नाम रखा है जियान। ये डोरेमोन वाला जियान नहीं है, ये है रियल लाइफ जियान। और ये जियान थोड़ा निब्बा जियान है क्योंकि ये बहुत कूल है और इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी है और भाई इसका दिल भी बहुत बार टूटता है। दिल थाम के बैठ जाओ हमारे निब्बे जियान से मिलने के लिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर ये लड़की गलती से हमारे जियान भाई के ऊपर बैठ जाती है और जियान भाई इनको वार्निंग देते हैं, तो लड़की कहीं और बैठती है लेकिन फिर से वो उनके ऊपर बैठ जाती है गलती से। जियान भाई बोलते हैं बगल में बैठ, लेकिन जैसे ही वो बगल में बैठती है जियान भाई बोलते हैं उठ यहाँ बैठ। ये दुख का खत्म नहीं होता बे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दीदी को देखो फोन में इतना ज्यादा घुस रखी है कि इतना बड़ा इतना विशाल आदमी नहीं दिख रहा उनको। और ये नहीं कि थोड़ी जगह देख के साइड में बैठ जाऊं, लेकिन नहीं बैठना उनको हमारे सेक्सी जियान के ऊपर ही है। ये क्या क्या देखना पड़ रहा है कॉन्टेंट के नाम पे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मैं ये सीन देखता ना कसम से वहीं पे जहर खा लेता, पर नहीं खा सकता क्योंकि मुझे कुछ हो गया तो फिर इनके ऊपर रोस्ट वीडियो कौन बनाएगा। तो देखना पड़ता है यार सारी चीजें। और देखो अदाएं हो तो हमारे निब्बे जियान की तरह हो, वरना ना हो। एक बार किसी लड़की को देख के ऐसे कर देना तुरंत आके बैठ जाती है और भाई लड़की बिल्कुल भी नहीं डर रही। अगर इस लड़की की जगह मुझे वो वहाँ पे बिठा देना, 2 मिनट बाद मुझे वहाँ पे डायपर की जरूरत पड़ जाएगी। तो जियान भाई की एक्टिंग को देख के लग रहा है ये शायद देख नहीं सकते, लेकिन इनके इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए ये लड़की जाती है और किसी और को हक करके आ जाती है मौके पे चौका। जैसे ही लड़की वापस आती है जियान भाई को पता चल जाता है, वो जैसे ही इसको स्मेल करते हैं और यहाँ पर उनको चक्कर आ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। वाह मेरे जियान क्या था ये, नहीं पहले तो तुम अंधे होने की अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद भाई ऐसे गिरोगे तो कहीं अर्थक्वेक वगैरह भी आ सकता है। भाई लोगों का भी ध्यान रखो यार, थोड़ा देखना पड़ता है आगे पीछे भी। पर एक बात बताओ, ऐसा क्या स्मेल करने के बाद ये धरती पे ऐसे गिर गया? नहीं परफ्यूम था ये, सूर्यवंशम की खीर जो स्मेल करते साथ ही ये ऐसे चित हो गया। यहाँ मुझे धनिया और पुदीना के बीच में कोई डिफरेंस नहीं मिल पाता, चाहे कितने भी अच्छे से देख लूं या स्मेल कर लूं। इस भाई ने एक बार स्मेल करके पता लगा लिया किस लौंडे का परफ्यूम है, बड़ा खतरनाक है यार। तो अब हमें पता चल रहा है हमारे जियान भाई डॉक्टर भी हैं और ये लड़की है इंजेक्शन लगाने में काफी डर रही है, लेकिन हमारे जियान भाई की आंखों में ऐसा जादू है कि एक बार किसी लड़की की नजरों में देख ले तो उसे बिल्कुल दर्द नहीं होता। भाई इसे कहते हैं निब्बा निब्बियों का असली प्यार, आंखों में देखते साथ ही इंसान दर्द वर्द सब भूल जाए। और ऐसा भी क्या नशा है हमारे जियान की आंखों में जो देखते साथ भाई लड़की सब भूल गई, कुछ तो बात है भैया। स्टार लौंडा है, इस लड़की की जगह अगर मैं होता और सामने से ये मुझे इंजेक्शन लगाने आता तो इंजेक्शन लगने से पहले ही मेरा दर्द निकलना शुरू हो जाता। मैं बोल देता भैया मैं खुद लगा लूंगा, किसी और को बुला दो बस। तो हमारे जियान भाई को चॉपस्टिक से खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो हाथ से खा लेते हैं। आहा क्या अंदाज है, और किसी को पता भी नहीं चलता। वीडियो के एंड में पता चलता है कि दोनों में से किसी को भी चॉपस्टिक से खाना नहीं आता था, दोनों के दोनों यही टेक्निक लगा रहे थे। और यार तुम इंडिया में हो, चाइना में नहीं हो, तुम चॉपस्टिक की जगह फोक भी मांग सकते हो। किसी ने तुम्हारे सर पे बंदूक नहीं रखी थी कि भाई चॉपस्टिक से ही खाना है। और इन दोनों को तो छोड़ो, लोग वहाँ पे बैठे होंगे उनका क्या रिएक्शन होगा इनको देखने के बाद। भाई मैं ये देखता ना अपना फोक लाके इसको दे देता, भाई मत झेल इतना। यार भैया मैं ना आपकी निब्बा निब्बी वाली रोस्टिंग वीडियोस देख के थक गया हूं, कुछ गेमिंग वगैरह करो यार, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट दो। फिर तो तू गलत चैनल पे आ गया, मुझे प्लेग्राउंड के यूट्यूब चैनल पे चले जाना चाहिए। अब ये प्लेग्राउंड क्या है? प्लेग्राउंड के बारे में नहीं सुना? प्लेग्राउंड है सिर्फ इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे पहला गेमिंग एंटरटेनमेंट शो, जहाँ पे कंटेस्टेंट्स अलग अलग टाइप के गेम्स खेलेंगे और जीतने वाले को 50 लाख का विनिंग प्राइज मिलेगा। 50 लाख? फिर तो जजेस भी खतरनाक होंगे इसमें। अबे जजेस मत बोल, उन्हें लेजेंड्स बोल, लेजेंड्स। यहाँ पे कैरी मिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान, स्काउट, मॉर्टल, ये चारों के चारों बैठे हैं जजेस की सीट पे। तो गेमिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी नहीं होने वाली। भैया मजा आएगा गेमिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी, बस ये बताओ कि पहला एपिसोड कब आ रहा है। अबे आ रहा है नहीं, आ गया है, प्लेग्राउंड के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स जैसे योगेश शर्मा, उदित राजपूत और साक्षी केशवानी आए थे प्लेग्राउंड ट्रायआउट्स में, जहाँ पे जजेस ने मौज कर दी। फिर तो मैं लेट हो गया, जल्दी जाके देखता हूँ। सो गाइस ये तो चले गए, आप लोग भी जल्दी से प्लेग्राउंड के यूट्यूब चैनल पे जाओ, पहला एपिसोड तो लाइव हो चुका है, जल्दी जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ और मजे करो। भाई ये हो क्या रहा है इस धरती पे, भगवान को प्रकट होना ही चाहिए मुझे लग रहा है। प्रकट होने का एकदम सही टाइम है, भगवान आ जाओ अब। यहाँ किसी लड़की का हाथ भी टच हो जाए तो लड़की के शर्माने से पहले मैं खुद शर्मा जाऊँ। और हमारे जियान भाई खुलेआम चुम्मा चाटी कर रहे हैं, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लड़कियां बेवकूफों की तरह खड़ी आंखें बंद करके हंस रही हैं, खुश हो रही हैं। ये तो रियल लाइफ का रिकी बेल निकला, लेकिन हम क्या करें, पूरी जिंदगी बैठ के मैं इनसे जलता ही रहूंगा क्या? एक काम करता हूँ, मेरे को भी इससे क्लासेस ले लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो सिखाई देगा मुझे भी। गया तो मैं इसके पास क्लास लेने ही था, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैंने कसम खा ली भैया सिंगल ही मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हरकत नहीं हो पाएगी हमसे। और भाई हर वीडियो में नई गर्लफ्रेंड, क्या बात, ऐसी थोड़ी ना हम इनको कूल बॉय जियान बोलते हैं। और जियान भाई कितना जलाओगे लोगों को ये वीडियोस दिखा दिखा के, कुछ चीजें औरों के लिए भी छोड़ दो।
देखो मैं तो जा रहा हूँ ये गोला छोड़ के, किसी एलियन से बात करो और उसको बोलो कि मुझे अपने गोले में बुला दे, क्योंकि इस गोले में जो हो रहा है ना वो मेरी आंखें झेल नहीं पा रही है, बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। भाई इतना आसान था क्या? हमें भी ट्राई करना चाहिए भाई, करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा आंखें ही तो बंद करनी है लड़के की। जियान भाई तुमको पहले ही समझाया था, एक बारी में एक ही जगह ध्यान दिया करो, हर किसी को जाके लाइन मारोगे तो ऐसे ही होगा ना, पछताते रहो जब चलेगी वो छोड़ के, अब रो के क्या फायदा बताओ, जब चिड़िया चुग गई खेत। और भाई तुमको वीडियो स्टार्ट होने पे ही मैंने समझाया था हर जगह मत कूदा करो, इतने अर्थक्वेक लोग कैसे झेलेंगे। हमारे जियान भाई तो सुधर चुके हैं, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे एंड नहीं होती है, क्योंकि इसके आगे हमको मिलती है जियान की बहन। हाँ तुमने सही सुना, जियान की बहन हमें मिल चुकी है, तो दिल थाम के बैठ जाओ, डरना मत, बहुत मजा आएगा। दिखता नहीं तुमको मेरा प्यार, दिल की कच्ची हो क्या, बात बात पर रो देती हो, छोटी बच्ची हो क्या? बेटा जिसको तू छोटी बच्ची समझ रहे ना, वो तेरे जैसे 100 को जिंदा निकल सकती है और टकार भी नहीं लेगी, पता भी नहीं चलेगा तू गया कहाँ। यार और कोई डायलॉग यूज कर लो, इस टाइगर श्रॉफ वाले डायलॉग की तो लोगों ने जान ही निकाल ली है, मतलब टाइगर श्रॉफ भी सोच रहा होगा यार मैंने बोला ही क्यों। क्या करोगे 10th के बाद? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मैं तो कहता हूँ तुमने खुद ही रोस्ट कर दिया, मुझे तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। घर वाले जब पूछेंगे साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है, तो जवाब देना कि शादी करनी है, बाकी तो सब कुछ हो चुका है तुम्हारी लाइफ में। 10th में 10 बार फेल हो जाना भैया, पर शादी मत करना टाइम से पहले, बहुत सारी चीजें है लाइफ में। पर हाँ जिसको जियान की बहन मिल जाए उसको तो क्या ही चाहिए लाइफ में, मतलब सब कुछ मिल ही चुका है फिर तो। आपको परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है, पता क्यों? आप मुझे इतनी जोर से मुक्का भी नहीं मार सकते। देखो ये चल क्या रहा है, 10 साल के लोग 25 साल के लोगों की तरह हरकत कर रहे हैं, और 25 साल के लोग 10 साल के निब्बा निब्बी बन के घूम रहे हैं, और बीच के बच्चे कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में करें क्या। और दीदी वो मुक्का इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि उसको भी पता है कि गलती से अगर उसने मुक्का मार दिया तो फिर सामने वाला इंसान टीम रॉकेट की तरह आसमान में उड़ के चला जाएगा, अगले दिन आसमान में एक नया सितारा दिखेगा। भाई क्या रिवेंज लिया यार, इसे कहते हैं असली बदला। पहले उसे घूर के देखूंगी, जैसे वो पलट के वापस आएगा तो किसी और लड़के का हाथ पकड़ के निकल लूंगी। अब वो लड़का इसका कुछ लगता भी नहीं, वो तो अपना रोड पार करके जा रहा था, इसने उसका हाथ पकड़ा था, उसने डर के मारे कुछ नहीं बोला, उसका गुस्सा देख के वो भी डर गया था, बोलो चुपचाप लेके चल मुझे जहां ले जा रही है, बस मुझे मार मत दियो गलती से। भाई थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख ले, घूम रही है वो, पीछे देखो पीछे, कहीं तूने उसको पकड़ा नहीं ना टाइम से तो बवंडर आ जाएगा थोड़ी देर में वहां पे। देखो सब कुछ ठीक था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो लास्ट में वो लड़का चमगादड़ बन के उड़ा ना, उसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। नहीं लड़का लड़की के चेहरे पे इतनी खुशी नहीं है, उसको किस बात की खुशी हो रही है, क्या स्प्रिंग रोल खिलाने वाला था क्या इस वीडियो के बाद उसको। तो ये थे हमारे दो क्यूट इंस्टाग्रामर्स, और ये सच में मुझे बहुत क्यूट लगे इसलिए मैंने इन पे वीडियोस बनाई। और नो हेट कमेंट्स, कोई भी उल्टा सीधा जाके मत बोलना उनको, इस वीडियो में जो भी होता है सिर्फ मस्ती मजाक ले होता है, तो कृपया करके जिस पे वीडियो बने उसको जाके कोई कमेंट वमेंट मत करना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हो नीचे कमेंट जरूर कर देना। एंड गाइस प्लेग्राउंड के एपिसोड्स देखना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ प्लेग्राउंड के चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मैं चलता हूं यार, बढ़िया वाले निब्बा निब्बी ढूंढ के लाऊंगा इस बारी अगर मिले तो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए